बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन है और इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बेसिकली डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट में हमने क्या कुछ सीखना है सारी चीज़ें हमने ब्रीफली तौर पे जो इंट्रोडक्शन में था वो आपसे देखेंगे। लाइक आप इस पूरे सेमेस्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, आपने इसको और इस सब्जेक्ट का ये जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है इसका मकसद क्या है। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है बेसिक टू ऑल डिवाइसेस, यानी जितने भी आपको डिवाइसेस आपको मार्केट में मिलती हैं, जितने भी गैजेट्स मिलते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप यूज़ भी कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा किस बेस पे है, वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको कोर्स आउटलाइन नज़र आ रही है। कोर्स आउटलाइन में आपको प्री रिक्विजिट में आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, सब्जेक्ट आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स प्रीवियस सेमेस्टर्स में, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग यानी कुछ चीज़ें आपने कुछ प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में आपने डिटेल से वो चीज़ें और भी नई डिवाइसेस आपने जो है वो समझनी है। सबसे पहले तो आपको कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर्स या नंबर सिस्टम का नाम आपने सुना हुआ है और ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा, लेकिन इसको हम भी डिटेल से अब हम इस सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ना। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो बाइनरी नंबर्स के होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, वो आप इसमें देखेंगे, जो आपने नहीं पढ़ी होंगी नहीं कुछ पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए बूलियन अलजेब्रा, जिसे स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर है अलजेब्रा के ऊपर। थ्योरम्स हैं इसके अंदर, लॉज हैं, आइडेंटिटी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और समझ लें कि आप जो डिजिटल सर्किट्स आप देखते हैं, आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम में ए लॉट ऑफ सर्किट्स हैं, कंप्यूटर डिफरेंट चिप्स लगी हुई हैं और उनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, उनकी अपनी कोई ना कोई लॉजिक है। तो वो जो सारी चीज़ें चिप्स, ICs, जिसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, वो सारी किस बेस पे डेवलप हुई हैं, वो बूलियन अलजेब्रा, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा से चीज़ें बनी हैं। बूलियन बेसिकली जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्विचिंग अलजेब्रा जो है वो डेवलप किया और उसी से ही सर्किट्स बनने शुरू हो गए। सर्किटरी जो है, जो सर्किट का तो आपको पता है, सर्किट बेसिकली सर्किट जो है वो बेसिकली एक कनेक्शन होता है। तो बूलियन अलजेब्रा और स्विचिंग अलजेब्रा का बता रहा था, और उसके बाद गेट्स, गेट्स जो हैं ये भी समझ लें जस्ट लाइक सर्किट्स होते हैं। हर गेट का आपने गेट प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने गेट्स भी पढ़े होंगे, जिसे आप गेट्स बेसिकली सर्किट को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉर्नोफ मैप है, यानी ये बेसिकली एक मेथड है जो सर्किट्स हैं उसको सिंप्लीफाई करने के, ठीक है। हमने मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन होंगे हमारे पास, इक्वेशंस होंगी, उनको हमने क्या करना है, हमने उनको मिनिमाइज करना है। लाइक बहुत से आपको पता है, जैसे प्रीवियस यानी अगर आप पीछे देखा जाए तो 10-20 साल पहले तो जो भी सर्किट्स थे या जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें हार्डवेयर बहुत हैवी था, बड़े बड़े हार्डवेयर लगते थे उसको और वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, ठीक है। आजकल जो है आपको स्मार्ट चिप्स नज़र आ रही है, ठीक है। वो किसकी बेस पे हैं, वो हमने जो अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा के थ्रू जो सर्किट बनाया है और फिर उसको कॉर्नोफ मैप एक मेथड है उसको, उससे हमने मिनिमाइज करके एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इसी तरह कॉनिकुलियन मिक्लेस्की मेथड है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशनल डिज़ाइन और कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन। मैं आप ये समझ लें कि जो मल्टीपल गेट्स हैं, जब आप इसमें हम उसको ज्वाइन करते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन सर्किट बन जाता है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स लगे हुए हैं, जैसा कि एडर हैं, सब्ट्रैक्टर हैं, कोड कन्वर्टर हैं, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। कॉम्बिनेशनल का यानी कॉम्बाइन किया है हमने मुख्तलिफ किस्म के गेट्स को, एंड और को ज्वाइन कर दिया। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है ए प्लस बी सी है, अब ए प्लस बी सी, बी सी बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डॉट का ऑपरेशन होता है उसको मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्लस और गेट है,
ठीक है, और डॉट जो है वो मल्टीप्लाई लाइक वो एंड गेट है। तो दोनों गेट मिलके एक आपको आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है। सबट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कोड कन्वर्टर आ जाते हैं, पैरिटी चेकर आ जाता है। ये बहुत ही अहम जो है कह सकते हैं कि ये सर्किट्स हैं जिसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम सारा का सारा काम ही इनकी बेस पे कर रहा है। उसके बाद कुछ मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं, डीकोडर इनकोडर आ जाते हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं। फिर उसके बाद कंपेरेटर हैं, फिर लैच और फ्लिप फ्लॉप है। ये बेसिकली सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। ये आपके सामने जो लैच और फ्लिप फ्लॉप, ये बेसिकली समझ लें कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं वो डेटा की आउटपुट को सेव नहीं करते, जबकि सेव करने के लिए अगला कौन सा सर्किट लगा हुआ है वो फ्लिप फ्लॉप लगे। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है। इसका काम सिर्फ क्या है कि इसने बिट्स को स्टोर करना है, कॉम्बिनेशन सर्किट स्टोर नहीं कर सकते। तो आगे सादा ही बात है, हमने आरजी तौर पे डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है, तो वो फिर किस में करवाएंगे, हम फ्लिप फ्लॉप या लैचेस में करवाएंगे। तो ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, रोम्स हैं जाती हैं, पीएलडी, पीएलए, स्टेट रिडक्शन असाइनमेंट मशीन, ठीक है, एल्गोरिदम स्टेट मशीन, कार्ड्स, ये सारी चीज़ें, और आगे आर्किटेक्चर के कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो बाकी आगे हमारे पास जो इसकी अब हम जो इंट्रोडक्शन है उसका में हम देखते हैं डिस्कस कि बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, जो जो डिवाइसेज हैं, आपने मार्केट में देखें आजकल तो मोस्टली डिवाइसेज जो हैं वो डिजिटल हैं। इससे पहले पहले या कुछ ऐसी हार्ड हाइब्रिड डिवाइसेज हैं जिसमें वो एनालॉग सिस्टम है और इसी तरह से वो ही एनालॉग सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है डिजिटल सिस्टम के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हमने एनालॉग और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने हैं, और उसकी कन्वर्जन के वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वो किस तरह से है। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है ये कंप्यूटर सिस्टम में, एक तो पहले आपको पता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सारी एनालॉग इन नेचर होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुइयों वाली घड़ी है, ठीक है, इसी तरह से स्केल है, इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कोई डिजिट्स वगैरह नज़र नहीं आते, जबकि कंप्यूटर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं। जीरो और वन की ही मैनिपुलेशन से आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। लाइक उसमें सिर्फ आपको वो दो डिजिट्स मिलते हैं, जबकि एनालॉग में आपको वेव फॉर्म में डेटा, आपको हम उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसकी मेजरमेंट भी हो सकती है। यानी हमने अपने जो वैल्यूज हैं उनको एफिशिएंटली और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना है। एनालॉग रिप्रेजेंटेशन है डेटा की और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपको ये डिजिटल वर्सेस एनालॉग वेव फॉर्म नज़र आ रही है, वेव फॉर्म का मतलब ये नहीं, ये हमारे पास जैसे कि आपने ये प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कि जो एनालॉग जो डिवाइसेज हैं या एनालॉग सिग्नल्स को हम वेव फॉर्म में, ये एक वेव फॉर्म, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसी तरह से उसकी हाइट होती है वेव की, और उस तरह से एम्पलीट्यूड हम कहते हैं उसको, और उसकी एक एक साइकिल, उसकी जो स्टार्ट ऑफ द स्टॉप है, यानी कितनी बार एक सेकंड के अंदर वो अपनी आप को रिपीट करता है, साइकिल को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही इसकी भी अपनी एक वेव फॉर्म है डिजिटल सिस्टम्स की, लेकिन हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो ही सिंबल्स हैं, वन और जीरो, ठीक है। यानी जब आप ये ऊपर हाईएस्ट फॉर्म में जब ये वेव होगी, जिसे आप यानी वेव फॉर्म जो होगी हाईएस्ट फॉर्म में, उसको हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे, या जो नीचे होगी मतलब उसका जो ट्रिगरिंग होती है इसकी, यानी कि वन से जीरो में जाना है तो एक जो सिग्नल है वो ट्रिगर करता है, उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ही आपने। और विद द टाइम जो भी है फाइव, यानी ये 5 पॉइंट का लिखा हुआ है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट का यानी कि करंट चाहिए होता है, ठीक है। और डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, ये भी आगे हम डिस्कस करते हैं। एनालॉग रिप्रेजेंटेशन में स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, ठीक है, ये आपको पता है। और डिजिटल में आपके पास डिजिटल क्लॉक आ जाता है और डिजिटल वेटिंग मशीन आ जाती है। आप ये समझ लें कि हमारे पास जो गैजेट्स हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सिस्टम से लेके एक ऑटोमेटिक कार तक, जितनी भी आप ये जो गैजेट्स वगैरह या उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो सब डिजिटल लॉजिक डिजाइन से है, ठीक।
फिर उसके बाद आपके पास डिजिटल नंबर सिस्टम है, ये हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये डिटेल से टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जिसमें कंप्यूटर जो है वो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, इन तमाम नंबर से डिस्कशन भी डील करता है। ठीक, तो ये भी हम इसको नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिजिटल एनालॉग सिस्टम का आपको पता है, मैग्नेटिक टेप एक एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग पे एक ब्लैक होती है, इस तरह डिजिटल सिस्टम में डिजिटल कैलकुलेटर है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि जिसमें एक समय ले के प्ले बैक के अंदर फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होता है टेप पर, हेड इज मैग्नेटाइज होता है वो, ठीक है, मैग्नेटिक तरह से ये सारी चीज़ें एनालॉग में होती हैं। ठीक है, और ये फेरेडेज लॉज भी आपने सुना होगा, जिसकी बेस पे वो रिकॉर्डिंग होती है, और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ सिग्नल विच इज रिकॉर्डेड ऑन द टेप। कंप्यूटर में आ जाएं, तमाम के तमाम डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है, इवन आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं तो उसकी जो पिक्सल्स होते हैं, जो स्क्रीन आपको, तो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल, डॉट्स होते हैं कलरफुल, यानी जो भी चीजें आपको नजर आती हैं तो उसमें वो जो डॉट्स हैं दैट आर आल्सो जो है वो बाइनरी फॉर्म में उसकी वो डिटेल होगी। और एक और चीज, हम बाइनरी फॉर्म क्यों, बाइनरी फॉर्म इसलिए प्रोसेस होता है कि आप, होता है कि हमारे पास, अगर आप प्रीवियस ओल्ड कंप्यूटर्स की बात करते हैं, पुराने कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस है ये वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल है, और उसका काम क्या है, ऑन और ऑफ। बिल्कुल इस तरह से ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ये कंप्यूटर सिस्टम में, जिनसे चिप्स बनी हुई हैं, तो वो भी क्या है, उनका काम भी बेसिकली ऑन ऑफ होना है। तो इस ऑन ऑफ को हम बेसिकली बाइनरी फॉर्म, सीडी के हवाले से है, ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एडवांटेज भी हैं डिजिटल टेक्निक्स के हवाले से, कि एक तो डिजिटल सिस्टम इजी टू डिज़ाइन है, आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज भी इजी है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन भी है। ये आपको मैं डिस्ट्रेट से बता चुका हूँ कि प्रिसीशन बेसिकली एक्यूरेसी को, ठीक है, कि आपने पॉइंट्स में वैल्यू लेनी है, ये एग्जैक्ट लेनी है। प्रिसीशन जो है वो हम प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, मतलब जितना भी गेट्स हैं, चिप्स हैं, सबको प्रोग्राम्ड किया है। यानी प्रोग्राम्ड का मतलब क्या है, उसको हमने इस तरह से इनपुट दी है, इस तरह से सर्किट बनाया कि उसमें हमें आउटपुट ये लेनी है उससे, तो वो प्रोग्राम, हम जैसे कि रॉम है, रॉम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है, नॉइज़ नहीं होता इसमें, शोर नहीं होता। और उसके बाद फैब्रिकेटेड आईसी, यानी जितनी भी डिजिटल सर्किटरी है वो हम आईसी चिप्स में उसको एम्बेड किया होता है, कर सकते हैं इनको, बना सकते हैं फैब्रिकेटेड चिप्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस आपको पता है कि एक तो आपको पता है एनालॉग, एक रियल वर्ल्ड जो है एनालॉग, और प्रोसेसिंग डिजिटाइज सिग्नल्स टेक्स टाइम। ये भी आपको देखें कि जारी बात है, कंप्यूटर ने प्रोसेस करनी है तो उसके लिए क्या है कि उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो उसका हल क्या है कि उसमें हमने फिर हार्डवेयर को मजीद पावरफुल बनाया, इनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, एनालॉग सर्किट्स की नस्बत डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो, तो हम एनालॉग कंपोनेंट्स भी नहीं, क्या हाइब्रिड का, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल सर्किट्स भी होते हैं और एनालॉग और एक्सेप्टेंसी होते हैं। ठीक है, ये डिजिटल सर्किट्स कन्वर्जन होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ना कन्वर्जन, जिस तरह से आपके सामने एनालॉग फॉर्म में जो भी सेंसर है कन्वर्ट करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाएगा, और फिर वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा उसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर दोबारा से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टर लगा होगा और एक आगे कंट्रोलर जो इस वो एनालॉग में दोबारा, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। डिजिटल हार्डवेयर सिस्टम्स में अब ये चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसमें बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक ऑपरेटर्स, वैल्यूज, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें हमने आगे डिटेल से डिस्कस करनी है। ये बेसिकली तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमने एक गेट बनाना है, फिर उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और उसको फिर हमने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अगले फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। इसी तरह से हार्डवेयर सिस्टम्स हैं, स्विचिंग नेटवर्क है, ये समझ लें कि ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट है, जिसकी कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट्स होती हैं। जैसे एडर है, एडर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा कंप्यूटर सर्किट है जिसकी कुछ ना कुछ इनपुट होगी और उसके कोई ना कोई आउटपुट होगी, तो ये भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि एडर्स का, इसमें फुल एडर है, हाफ एडर है, फुल एडर है। ठीक है, जिस तरह से ये देखें, नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, नंबर ऑफ आउटपुट्स 2 है। तो ये हमने ये चीज़ें सर्किट्स को बनाना है, हमने इनकी एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है, और एक पूरा का पूरा डिज़ाइन, वो एक सर्किट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ है, वो किस तरह से बना है वो हम इसमें देखेंगे। इसी तरह से सीक्वेंशियल लॉजिक का मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशन सर्किट के बाद जो डाटा मिलता है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स में सेव होता है, इसको हम मेमोरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि रैम है, रैम एक मेमोरी एलिमेंट है, रजिस्टर्स हैं मेमोरी है, कैशी मेमोरी है मेमोरी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये और दो तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस।
इसमें दोस्तों थोड़ा सा फर्क ये है कि बस क्लॉक का फर्क टाइम का है, कि सिंक्रोनस जो है हमें क्लॉक होता है, जबकि एसिंक्रोनस में कोई क्लॉक नहीं होता। ये क्लॉक भी एक डिवाइस है, एक अलग से सर्किट होता है, ठीक है। उस क्लॉक के ऑन होने से, जैसे कि बटन हमने ऑन किया और बल्ब जल पड़ा, इसी तरह से ये भी वही चीज़ है कि हमने बटन जो है या एक क्लॉक जो है वो सिग्नल, एक सर्किट होगा, एक लाइन होगी, एक तार होगी, वो ऑन होगी तो अगला आपका सर्किट काम करेगा, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा बेटा इंट्रोडक्शन, मेरे आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें अगर कोई ऐसे पॉइंट अगर समझ आए तो बेटा आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।